सारे शहर में अमन का चर्चा रहा बहुत, सारे शहर में अमन का चर्चा रहा बहुत, फिर भी घरों में आदमी डरता रहा बहुत। वो रहनुमा ही अपना वतन लूटने लगा, वो रहनुमा ही अपना वतन लूटने लगा जिसकी वफा पे हमको भरोसा रहा बहुत। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। खास बात इंडिया के इस न्यूज़ बुलेटिन में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सीधे सीधे आपको जोड़ते हैं खबरों के साथ। मुंबई से पहली खबर आ रही है हमारे पास। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम के अधिकारियों ने आज चेकिंग के दौरान 7 यात्रियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से तकरीबन 32 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया गया। आपको बता दूं, हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनमें आप देखेंगे कि इसकी किस तरह से सोने को छुपाकर ले जाया जा रहा था। विशेष तौर से पॉकेट्स बनाए गए थे, बेल्ट के अंदर पॉकेट्स बनाकर इन सोने को रखा गया था और जिसे ले जाया जा रहा था। शक के आधार पर कस्टम के अधिकारियों ने इन्हें रोका और 5 पुरुष और 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। आइए दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें आपको। आसनसोल में जीआरपी के अधिकारियों ने 10 खोए मोबाइलों को उनके मालिकों को लौटाया और इस क्रम में एक अधिकारी ने बताया कि जिन मोबाइलों को चोरी कर लिया गया था, ट्रेन के सफर के दौरान यात्रियों के मोबाइलों को चोरी कर लिया गया था और आसनसोल रेलवे स्टेशन से जिन लोगों के मोबाइल चोरी गए थे, उन 10 मोबाइलों को आज उनके मालिकों को सुपुर्द कर दिया गया। इस मौके पर जीआरपी के जवान मौजूद थे और इस मौके पर हमारे संवाददाता भी मौजूद रहे जिन्होंने कवर किया, जिन्होंने शूट किया आपके लिए खास तौर से कि किन मालिकों को उनके मोबाइल्स सौंपे गए। आइए दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। रेलवे यहाँ इतना जाम लग गया ना और हम लोग गाड़ी पकड़ना रहता सर, पोस्टिंग अंडाल में है, रास्ते सर यहाँ है, तो इसी पीरियड में मतलब हम गाड़ी पकड़ने के लिए इतना जाम लगा और सर मोबाइल मिसिंग हुआ पता। संजीव दत्तो আমি সন্দীপ দত্ত, লোকো পাইলট আসানসোল। তো 9 তারিখে ডিউটি করার সময়, মার্চের 9 তারিখে আমার মোবাইলটা হারিয়ে গেছিলো। তো মোবাইলটা আমি আসানসোল জিআরপিতে জিডি করেছিলাম। জিডি নেওয়ার সময় যেরকম সহযোগিতা পেয়েছি এবং পরবর্তীকালেও যেরকম সহযোগিতা পেয়েছি, এক কথায় পুলিশের এই ভূমিকাটা খুবই আমার ভালো লেগেছে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে মোবাইলটা দীর্ঘদিন ধরে হারিয়েছিল, আমি আশাই করিনি মোবাইলটা ফেরত পাব। হঠাৎ একদিন আমার বাড়িতে ফোন যায় যে আসানসোল জিআরপি থেকে বলছি অমুক তারিখ 13 তারিখে আপনি আসুন, আপনার মোবাইলটা পাওয়া গেছে এবং ওটা আপনাকে হ্যান্ড ওভার করা হবে। তো আমি তো এই মোবাইলটা পাওয়ার আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম দীর্ঘদিন ধরে না পাওয়ার জন্য। যখন এই ফোনটা আসে তখন একটা মনের ভিতরে অদ্ভুত ধরনের শিওরণ হয়েছিল যে মোবাইলটা হারানো প্রাপ্তি হলে যেরকম হয়, সেই হারানো প্রাপ্তি পেলে যেরকম আনন্দ হয় সেই আনন্দ আমি পেয়েছি।
আজকে আমি এসেছি 13 তারিখে মোবাইলটা নেওয়ার জন্য। পুলিশের এই ভূমিকা আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছে এবং এখানকার সমস্ত স্টাফের সহযোগিতা এক কথায় অনবদ্য। আমরা আশা রাখছি যে ভবিষ্যতে এই ধরনের আরও ভালো কাজ এখান থেকে আমরা দেখতে পাবো। নমস্কার।